वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो बुजुर्गों की जान है, हर इंसान की जान है, और अगर ये नुस्खा एक महीना ले लिया तो पूरे शरीर में, पूरी हड्डियों में जान आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, आज का नुस्खा कैल्शियम पर है। कैल्शियम का एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिससे गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को जब भी जोड़ों में दर्द होता है तो कैल्शियम की गोली लगा दी जाती है, और मेरा निजी अनुभव यह कहता है कि अगर बहुत लंबे दौर तक या हर रोज आप गोली का सेवन करते हैं, कैल्शियम की गोली का, अंग्रेजी गोली का, तो दो तकलीफें जरूर हो सकती हैं। एक तो हाई बीपी हो सकता है हर रोज कैल्शियम की गोली खाने से, और दूसरा किडनी में पथरी हो सकती है। इस बात का जरूर ख्याल रखिए, ठीक है। और आज का जो नुस्खा है वो उन तमाम लोगों के काम आएगा जिनको रात को नींद नहीं आती है। अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती ना, एक बार कैल्शियम जरूर चेक करा लो। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है लोग नींद की गोली खानी शुरू कर देते हैं, नींद के कुछ ना कुछ और मेडिसिन लेनी शुरू कर देते हैं, कैल्शियम लेवल चेक नहीं कराते। कैल्शियम लेवल चेक करा लीजिए, इस नुस्खे को ले लीजिए, नींद आनी शुरू हो जाएगी, बेहतरीन नींद आएगी, ठीक है। ये जिन लोगों की मांसपेशियां फड़फड़ाती हैं, चेहरे से फड़फड़ाहट, यहां से फड़फड़ाहट, यहां से फड़फड़ाहट, या पिंडलियों में फड़फड़ाहट कहीं ना कहीं फड़फड़ाती हैं, तो समझ लीजिए कैल्शियम की कमी है। बहुत सारे लोग थकावट का अनुभव करते हैं कि शरीर थका थका रहता है, थकान रहती है, पहले ऐसा नहीं होता था, अभी पता नहीं क्यों ऐसा होना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कैल्शियम की तकलीफ है। और अगर कैल्शियम की तकलीफ है तो फिर उसकी पूर्ति अवश्य करें। हालांकि बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी हैं, जैसे दूध है, या फिर प्लांट बेस्ड की बात करें तो मूली है, केला है, ठीक है, अमरूद है, बहुत सारे कैल्शियम के इतने सारे सोर्सेज हैं, पालक है, कैल्शियम बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, बहुत सारी चीजों में, ठीक है। जितनी सफेद चीजें हैं उनमें कैल्शियम मिलेगा ही मिलेगा, पनीर है उसमें मिलेगा, मखाना है उसमें मिलेगा, टोफू है उसमें मिलेगा, बहुत सारी चीजों में कैल्शियम जो पाया जाता है, इसको अपनी रूटीन में शामिल करें, ठीक है। और अगर रेडीमेड की बात करें कि अगर अपने पास समय नहीं है, या हम लोग जॉब करते हैं सुबह से लेकर रात तक काम में लगे रहते हैं, अगर रेडीमेड की बात करें तो आपको हाई कैल्सी कैल्शियम जो है वो आयुर्वेदिक कैप्सूल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर प्रवाल पिष्टी है, और इसके अंदर मोती पिष्टी है, और मुक्ता शक्ति बसम, ये तीनों चीजें जो हैं वो कैल्शियम की कमी को दूर करने में आपकी मदद करती हैं। ये रेडीमेड उपाय की बात कर रहा हूं। और अब बात करते हैं फॉर्मूले की, कि अगर आपके पास समय है तो आप अपने घर में बनाइए, एक महीना इस फॉर्मूले को लीजिए, और फिर देखिए जितनी तकलीफें मैंने आपको बताई थी उन तकलीफों में कैसे आपको आराम मिलता है। तो क्या वो फॉर्मूला है, कैसे इसको तैयार करना है, आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चार चीजें नजर आ रही हैं, पहली चीज है इसमें जो आप देख रहे हैं वो है मखाना, ठीक है, ये फुल मखाना भी बोलते हैं इसको, बहुत जबरदस्त चीज है, कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। दूसरी चीज जो है वो है बादाम, बादाम जो हैं ये आपने लेने हैं पिशौरी, ठीक है, पिशौरी बादाम लेने हैं, छोटे बादाम, कश्मीरी बादाम भी बोलते हैं, पिशौरी भी बोलते हैं, ठीक है, गुरबंदी भी बोलते हैं, ये वाला आपने बादाम लेना है। अमेरिकन बादाम नहीं लेना है, अमेरिकन बादाम में कुछ नहीं मिलना, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, बहुत बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है। तीसरी चीज जो है वो है सफेद तिल, सफेद तिल आपको मार्केट से अच्छे वाले आप सफेद तिल साफ सुथरे लेके आइएगा। और चौथी चीज जो है वो ऑप्शनल है वैसे, लेकिन आप डाल लीजिएगा, मजा आएगा, मैं आपको बता दूंगा कितना डालना है, ये है इलायची, छोटी इलायची, सबज इलायची भी बोलते हैं, हरी इलायची, ठीक है। पहली चीज जो है कितना कितना लेना है वो बता देता हूं आपको। पहली चीज जो आपने लेनी है वो है मखाने, ठीक है, मखाने आपने लेने हैं पांच, एक दो, ये मैं आपको समझ लीजिए एक बार की डोज बता रहा हूं, ठीक है, तीन चार और ये, क्या बात है, छोटी छोटी कटोरियां बड़ी अच्छी लग रही थी मेरे को, मैं लेके आया, मैंने कहा वीडियो में लगाऊंगा इसको, अच्छी लग रही है देखने में। देखो पांच है, पांच मखाने, पांच आपने लेने हैं बादाम, ठीक है, ये हो गए पांच, ये पांच बादाम हो गए आपके, ठीक है। और सफेद तिल ना आपने एक चम्मच, ये मैंने लकड़ी का चम्मच लिया है, चावल खाने वाला चम्मच आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने लेने हैं एक चौथाई चम्मच, बस इतना सा, ठीक है, ये देखिए। और ये जो इलायची है छोटी इलायची, ये आप एक से दो, ये दो इलायची बस, आप ये देख लो, ये आपकी आइटम हो गई चार, ठीक है, ये पांच मखाने,
एक चौथाई चम्मच सफेद तिल, पांच बादाम और दो छोटी इलायची। अब इसको आपने 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 15 दिन का कोर्स हो गया, ठीक है। और आपने लेना भी इसको एक दिन छोड़ के है, डेली लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप ले भी सकते हो, अगर डेली लेना हो, डेली कैसे लेना वो भी बता दूंगा, एक दिन छोड़ के लेना तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने क्या करना है, जैसे पांच मखाने हैं गुना 15 75 हो गए, पांच बादाम है गुना 15 75 हो गए, दो इलायची हैं गुना 15 30 इलायची होगी, और एक चौथाई चम्मच 15 बार आप लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना कितना लेना है, ठीक है। ये आपका एक कोर्स हो गया, राइट। अब ये एक कोर्स गुना 15 आपने कर लिया, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेना है, बारीक पाउडर बना के। ये एक काम करना, इलायची को ना बाद में पीसना और फिर इसको छान लेना, क्योंकि इसका छिलका बाद में तंग करेगा आपको, नहीं तो इसका छिलका जो है बाहर निकाल देना, बस पीस के, मतलब छिलके समेत पीसना, छिलके समेत पीस के ना अलग से, और छिलका अलग कर देना, बाकी को आप इस्तेमाल कर लेना जो पाउडर रहेगा, ठीक है। तो इसको पीस के एक एयर टाइट कंटेनर में आपने रख लेना है, और फिर इसका रात को सोते समय अगर एक दिन छोड़ के लेना है तो आधा चम्मच, एक कप दूध को पहले गर्म कर लेना है, उसमें आपने आधा चम्मच ये डाल के और उसको पी लेना है। डायबिटीज ना हो देसी खंड मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एक दिन छोड़ के पीना है, कोई समय की तकलीफ है, तो आप एक चम्मच इसके अंदर डाल के और दूध में डाल के और फिर आप पी लीजिए, एक दिन छोड़ के फिर आप ऐसा ले सकते हैं। यानी अगर आप ये 15 दिन का कोर्स बनाएंगे तो महीना भर आराम से चल जाएगा, ठीक है। और परहेज जो रखने हैं वो ध्यान रखिएगा, चाय का, कॉफी का, स्मोकिंग का, और सोडा जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनका परहेज जरूर रखिएगा। ज्यादा नमक नहीं खाना, ज्यादा नमक भी जो है हड्डियों को कमजोर बनाता है। तो ये चार पांच चीजों का आपने परहेज जरूर रखना है, और आप देखेंगे एक महीने में वो रिजल्ट आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से इस वीडियो को, इस नुस्खे को समझ भी लिया होगा, और मेरी दरख्वास्त ये है कि आपने शेयर जरूर करना है ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।